नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू आर गॉड। इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको अपनी विभिन्न आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बताता हूँ और ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर किस प्रकार से सामान्य जीवन में काम कर रहे हैं और किस प्रकार की जो अनुभूतियाँ हमें होती हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, उनका अर्थ निकालना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है। अनुभूतियाँ सभी को होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुझे होती हैं, सभी को अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते उन पर, भूल जाते हैं उनको, क्योंकि वो थोड़ी सी उलझी हुई होती हैं, पजल्स के रूप में होती हैं। पजल्स कितनी फेमस हैं, आपने देखा होगा, बचपन से हम पजल्स सुनते आए हैं, फिर उनका समाधान निकालते आए हैं। गणित में भी सवाल होते हैं, उनको हल करना होता है। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सोल्व करना होता है। केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती हैं, उनको सोल्व करना पड़ता है। पुलिस तमाम तरह की गुत्थियाँ सुलझाती हैं। तो बुद्धि तो सभी जगह लगाई जा रही है, क्योंकि समाधान तभी निकल के आता है जब बुद्धि का प्रयोग करके उसको प्रयास किया जाता है। तो उसी क्रम में मुझे ये थोड़ी सी समझ मिली, भगवान ने दी, कि मैं इन आध्यात्मिक अनुभूतियों को थोड़ा थोड़ा समझने लगा। वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी अनुभूति बताऊँगा। आज की अनुभूति भगवान गणेश से रिलेटेड। देखिए, मैंने एक बार स्वप्न में देखा कि एक भैंस, या वो भैंसा भी हो सकता है काले रंग का, उसके ऊपर एक हाथी का बच्चा बैठा हुआ है। हाथी का बच्चा आपने देखा ही है, वो बैठा हुआ है। अच्छा, वो काले रंग की गाय भी हो सकती है, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से वो, हाँ था वो गाय और भैंस में से एक जानवर। काले रंग की गाय भी हो सकती है वो। तो उसके ऊपर हाथी का बच्चा बैठा हुआ और आराम से वो चल रही, और ये स्वप्न बस यहीं पूरा हो गया। इतना छोटा सा स्वप्न, मुझे जब मैं उठा तो बड़ा मुझे खुश हुआ। मैंने कहा, यार ये तो बड़ा प्यारा स्वप्न था, क्या था ये। उसके कुछ दिन बाद जब मैं हमारे घर के पास ही कहीं जा रहा था, घर से ज़्यादा दूरी नहीं थी, पास में ही था वो, एक गली में से जा रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग क्या विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ जानवरों में हो जाती हैं, तो उनको वो मथुरा वृंदावन का नाम लेकर के और बैलगाड़ी में बिठा करके और इधर उधर घूमते हैं और पैसा मांगते हैं लोगों से। उसमें गाय या बैल होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ, किसी के चार की जगह पांच टांगे होती हैं, या किसी में कोई विकृति होती है, किसी में क्या विकृति होती है, तमाम तरह की जो बातें होती हैं उनको लेकर के और वो चमत्कार बता करके और वो लोगों से धार्मिक आस्था के नाम पर कुछ पैसे मांग करके अपना गुजारा करते हैं। तो मैंने देखा कि उसमें जो बैल था या गाय था जो बंधी हुई थी, उसके पीठ पर गणेश बना हुआ था। वो जन्मजात विकृति थी, गांठें हो जाती हैं, किसी को क्या हो जाता, लेकिन वो बड़ा सा विकृति थी और बाकायदा उसमें गणेश बना हुआ था उसकी पीठ पर। और गणेश जी की तो आकृति इस प्रकार की है कि आप देखो, कभी आलू में मिल जाएंगे वो आपको, कभी आपको है ना जो किसी पेड़ में मिल जाएंगे, कभी किसी लोगों में मिल जाएंगे, कभी किसी आकृति में मिल जाएंगे। गणेश जी तो इस प्रकार की मतलब धार्मिक प्रतीक हैं हमारे, कि वो हर प्रकार के चिन्ह में, हर प्रकार की आकृतियों में समा जाते हैं और मिल जाते हैं आसानी से। आपने देखा होगा तमाम तरह के भगवान गणेश के जो आजकल तो शोपीस भी बनने लगे हैं, और तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की आकृतियों में शोपीस के रूप में भी लोग रखने लगे हैं अपने अपने घरों में उनको, मॉडर्न, क्योंकि गणेश यहीं इतने प्यारे कि वो सभी को अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार की मैंने वो देखी। अब देखिए आप, ये तो हुआ व्यवहारिक जीवन में कि गाय के ऊपर या बैल के ऊपर जो भी था वो जानवर, उसके ऊपर गणेश जी की आकृति बनी हुई। YouTube पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जयललिता मैडम, जो साउथ की बहुत बड़ी नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता,
अम्मा के नाम से फेमस है वो। तो अम्मा एक हाथी के बच्चे को कुछ खिला रही थी खाने के लिए, भीड़ थी वहाँ पे बहुत सारी। अब इतने में वो अचानक से वो जो हाथी का बच्चा है वो भिदक गया भीड़ देख करके, और उसने अम्मा को गिरा दिया। वो सब वहाँ के कार्यकर्ता बड़े वो हो गए, श्लित हो गए कि यार ये क्या हुआ एकदम से। तो फिर मुझे वो वीडियो देखते ही एकदम से याद आया, मैंने कहा यार ये हाथी का बच्चा तो वही है जो मैंने गाय के ऊपर बैठा हुआ देखा था, वो प्यारा सा बच्चा, जैसे माता अपने बच्चे को गोद में उठा करके ले जाती है, उसी प्रकार से ये तो वही हाथी का बच्चा है। YouTube पर मैंने इस प्रकार से देखी देखा उसी अनुभूति को होते हुए। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक मित्र था कि तो बिहार के रहने वाले, उसने मुझे बताया कि जब वो छोटा था तब उन्होंने एक हाथी का बच्चा पाला था घर पर, और वो हाथी का बच्चा बड़ा ही नटखट और शैतान था। तो एक बार क्या हुआ कि वो उसको गुस्सा आ गया और उसकी मम्मी के पीछे पड़ गया मारने के लिए, तो उन्होंने उस हाथी के बच्चे को बेच दिया।